कोलकाता मेट्रो ने बुधवार को इतिहास रच दिया है। देश में पहली बार मेट्रो नदी में बनी सुरंग में हुगली नदी के नीचे से होती हुई कोलकाता से हावड़ा पहुंची है। इस सफर में केवल अधिकारी और इंजीनियर्स ही सवार थे, क्योंकि ये एक ट्रायल रन था। इसे हिस्टोरिक मोमेंट बताया गया है और ये आशा की जा रही है कि इस रूट पर सेवाएं इसी साल से शुरू हो जाएंगी। सेवाएं शुरू होते ही हावड़ा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन जाएगा। ये मेट्रो स्टेशन ग्राउंड से 33 मीटर नीचे है। हावड़ा से इस प्लांट तक का मार्ग लगभग 4.8 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 520 मीटर हुगली नदी के नीचे सुरंग के जरिए होगा। इस सुरंग की पूरी लंबाई 10.8 किलोमीटर अंडरग्राउंड है। नदी के नीचे मेट्रो के लिए दो सुरंग बनाई गई है। ये ईस्ट वेस्ट मेट्रो का प्रमुख आकर्षण है। यात्रियों के लिए ये अलग अलग अनुभव देगा, क्योंकि ये एक मिनट से भी कम समय में लगभग आधा किलोमीटर तक पानी के नीचे से गुजरेगा। चैनल टनल से गुजरने वाली लंदन और पेरिस के बीच यूरोस्टार ट्रेन्स की तरह ही कोलकाता में मेट्रो की इन सुरंगों को बनाया गया है। एफकॉन्स ने अप्रैल 2017 में सुरंगों की खुदाई शुरू कर दी थी और उसी साल जुलाई में इसे पूरा भी कर लिया था और अब इसमें ट्रायल सेशंस शुरू हो गए हैं। ये भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण है। नदी में सुरंग बनाना एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। ये भारत में पहली बार हुआ है, जबकि दुनिया भर में ये काफी मुश्किल है। 1980 के दशक में भारत की पहली मेट्रो का हिस्सा कोलकाता में बना था। अब पहली बार नदी के अंदर सुरंग भी यही बनी है। आपको बता दें कि नदी के नीचे सुरंग बनाना एक चुनौती है। पानी की टाइटनेस, वाटरप्रूफिंग और गैस्केट्स डिजाइनिंग के प्रमुख मुद्दे हैं। सुरंग बनाने के दौरान 24/7 चालक दल की तैनाती की जाती है। मजबूत नदी सुरंग प्रोटोकॉल का पालन भी किया जाता है। सुरंगों को 120 साल तक सेवा के लिए बनाया गया है। पानी की एक बूंद भी नदी की सुरंगों में प्रवेश नहीं कर सकती। सुरंगों के कंक्रीट के बीच हाइड्रोलिक गैस्केट्स हैं। अगर पानी सुरंगों के अंदर आता है तो गैस्केट खुल जाएगा। पानी के प्रवेश की दूर दूर तक संभावना नहीं है। पारंपरिक सुरंग के विपरीत नदी सुरंग शुरू होने के बाद बंद नहीं हो सकती। इन सुरंगों को भूकंपीय क्षेत्र 3 के अनुसार बनाया गया है, जिस जोन में कोलकाता आता है। खैर, ये आपने वीडियो देखी। इस मामले पर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।